इस सेक्शन में हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को स्टडी करेंगे। हमें पॉलीगन लॉ क्यों बनाना पड़ा दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना होगा। इसको सोचने के लिए जब हम सोचने लगे तो हमने सबसे पहले हमारे पहले लॉ की तरफ देखा। जो फर्स्ट लॉ था वो ट्रायंगल लॉ था हमारा वेक्टर को ऐड करने के लिए, और उसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले दो वेक्टर जो हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए, वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, एक वेक्टर का जो ये एक वेक्टर था हमारे पास, इसका जो ये टर्मिनल पॉइंट था, ये जो टर्मिनल पॉइंट था दूसरे वेक्टर के लिए, ये क्या बन जाए, इनिशियल पॉइंट बन जाए। तो उस केस में हमने ट्रायंगल लॉ को अप्लाई किया था। अब हमारे पास सिचुएशन जब सामने आई तो क्या सिचुएशन आ गई, अगर दो वेक्टर तो हैं वो पैरेलल नहीं हैं, लेकिन उनका दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब यहां पर इस ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसे वेक्टर्स के लिए हमें एक और लॉ बनाना पड़ा, और वो लॉ कौन सा बना था हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ बना था वेक्टर को ऐड करने के लिए। अब हमारे सामने और एक सिचुएशन आ गई, अगर हमारे पास दो वेक्टर ना होकर दो से ज्यादा वेक्टर हो, और वो सारे के सारे वेक्टर क्या हो, पैरेलल ना हो, तो उन वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। मींस उनका इनिशियल पॉइंट सेम ना हो, हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो तो उन वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, एक मेरे पास बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर होते तो हम ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ऐड कर देते या पॉलीगन लॉ की हेल्प से ऐड कर देते। अगर मेरे पास दो से ज्यादा अगर वेक्टर आ गए, सपोज करो ये सी वेक्टर, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे और ये पैरेलल नहीं है, तो इसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ा। और ये किसके लिए बना दिया, दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए बना दिया, और दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका बना उसको नाम दिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारे पास अगर मान लो सपोज करो दो से ज्यादा वेक्टर हैं, एक वेक्टर तो मेरे पास ये है, सपोज करो ए वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, ओ है, और ये एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, टिप क्या है, ए है। तो इसको मैं डिनोट, ए वेक्टर को मैं डिनोट कैसे करूंगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये तो लाइन सेगमेंट बन गया, और ये इसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया तो दैट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा पहला वेक्टर बन गया, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर बन गया। अगर मेरे पास नॉन पैरेलल है तो हमारे पास एक मेथड है, और वो स्टैंडर्ड मेथड है, वो कौन सा है, ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, देखा था हमने एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के लिए क्या बन जाना चाहिए, इनिशियल पॉइंट बन जाना चाहिए। तो इस वेक्टर के लिए ये वाला टर्मिनल पॉइंट क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट बन गया, और ये पैरेलल तो है नहीं, इसके पैरेलल नहीं होगा, तो पैरेलल नहीं होगा तो ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का ये टर्मिनल पॉइंट इस वेक्टर के लिए क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट बन गया, और इसको वेक्टर को मैंने नाम दिया है बी वेक्टर, तो मैंने यहां पे नाम लिख दिया बी। तो हमारे पास बी वेक्टर क्या बन गया, बी वेक्टर को मैंने डिनोट किया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी से, और इसके ऊपर हमने लगा दिया एर। अब मेरे पास ये थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर के लिए क्या कंडीशन आ जानी चाहिए, जो सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है वो इस वेक्टर के लिए क्या बन जाना चाहिए, इनिशियल पॉइंट बन जाना चाहिए, और ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो ये मेरे पास ये थर्ड वेक्टर आ गया, और इसको मैंने डिनोट किया डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बीसी से, और ये वेक्टर है मेरे पास सी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, ये मेरे पास है वेक्टर ए बी जिसको मैंने डिनोट किया स्मॉल बी से, और ये मेरे पास है वेक्टर ए। अब ऐसे वेक्टर को ऐड करना है तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर को ड्रॉ किया फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वन वेक्टर, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक आ गया ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या देगा, इन तीनों वेक्टर का सम देगा, या इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा,
और उसको मैंने नोट किया, मैं इनिशियल पॉइंट से चल रहा हूं, टेल से चल रहा हूं, किधर चल रहा हूं, फाइनल वेक्टर सी की तरफ चल रहा हूं, तो मैंने एक ये वैल्यू दे दी, ये मेरे पास इसका क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया, आर बन गया। तो मेरे को इस आर की वैल्यू निकालनी है। मैं सिर्फ क्या जानता हूं, एक ट्रायंगल लॉ जो मेरे पास स्टैंडर्ड है, और ट्रायंगल लॉ हमें क्या बताता है, उसको हमने अभी स्टडी किया था। ट्रायंगल लॉ के लिए तो हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर को मैंने सपोज किया, यहां से एक वेक्टर इनिशियल पॉइंट से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, और वो कहां तक ड्रॉ किया, बी पॉइंट तक ड्रॉ किया, टर्मिनल पॉइंट तक ड्रॉ किया, तो ये मैं क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, और ये इस ट्रायंगल का क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, कौन सा आ गया, ओबी आ गया। तो मेरे पास यहां पे अगर मैं देखूं, तो मेरे पास अगर मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल लो मेरे पास, क्योंकि सिर्फ ट्रायंगल लो है ओनली स्टैंडर्ड, तो मैंने एक ट्रायंगल को बनाया, ये ट्रायंगल को बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ट्रायंगल को बनाया, ओ ए बी को बनाया। तो हमने इस ट्रायंगल को लिया, और कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने इस रिजल्टेंट को निकाला, कौन से रिजल्टेंट को निकाला, ओ बी वेक्टर को निकाला, और OB की वैल्यू क्या आई, मैं एक हायरार्की फॉलो कर रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे पास क्या हायरार्की चलेगी, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू A वेक्टर, इसकी वैल्यू OA की वैल्यू क्या है मेरे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये बन गया। मेरे को तो निकालना R है, तो अब मेरे पास देखो एक ट्रायंगल और बन गई, ये वाली ट्रायंगल में ओ से चला, ऐसे चला, और यहां से ये चला, ये ट्रायंगल बन गई। अब कौन सी ट्रायंगल बन गई, ओ बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बन गई, ओ बी सी। इस केस के अंदर मैं देखूं तो मेरे पास ये ऐसे चला है वेक्टर, और ये ऐसे चला, और ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ऐसे चला, एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, और ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है। तो हमारे पास OC की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर OC वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से हो गया OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, OB की मैंने अभी निकाली है, ये है मेरे पास AB वेक्टर, दैट इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये तो है किसकी वैल्यू, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है OB की, प्लस BC की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू C वेक्टर। तो ये तो मैंने एक ट्रायंगल को ओबे करके निकाली। अगर मैं ये सिचुएशन ना लूं, सपोज करो मैं कौन सी सिचुएशन ले लूं, मैं पहले ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दोनों के दोनों वेक्टर हैं, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो मैं यहां से एक लाइन वेक्टर ड्रॉ करूं, इनिशियल पॉइंट ले लूं ये, क्योंकि इस वेक्टर के लिए ये क्या बन रहा है, इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दूं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, और कहां तक, टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी तक ड्रॉ कर दूं। तो इस केस में हमने क्या देखा, ये मेरे पास फिर क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और ये क्या बन गया, उनका रिजल्टेंट, क्योंकि मैं इनिशियल से चला हूं और फाइनल टर्मिनल तक चला हूं, तो ये उसका क्या बन गया, रिजल्टेंट। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं देखूं तो ट्रायंगल कौन सी बन गई मेरे पास इस केस में, ए बी सी, इस केस में इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट क्या बना, एसी इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ओबे कर रहा हूं मैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, यहां पर ए बी की वैल्यू बी वेक्टर है और बी सी की वैल्यू सी वेक्टर है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू की आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब मैं देखता हूं मेरे पास एक और ट्रायंगल बन रही है, साइकिल देख रहा हूं, तो मैं अगर इस इनिशियल पॉइंट से चलूं, ऐसे चलूं, और यहां से ऐसे चलूं, और इन दोनों वेक्टर्स का ये भी वेक्टर, और इनका इस वेक्टर के लिए ये इनिशियल पॉइंट बन गया, ये टर्मिनल पॉइंट बन गया, तो मैंने इनिशियल पॉइंट से यहां से टर्मिनल पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो क्या बन गया, एक रिजल्टेंट बन गया। तो इसका मतलब ये फिर एक ट्रायंगल बन गई, और इस ट्रायंगल को मैं देखता हूं तो मेरे पास ये जो ट्रायंगल बनी है इस केस में कौन सी ट्रायंगल बनी, ओ ए
सी और इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई एक रिजल्टेंट की निकालता हूं, ये मेरे पास एक साइकिल बनी है ऐसे और इसका रिजल्टेंट ये, तो ओसी इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास, दिस ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। तो यहां से देखता हूं तो ओ ए की तो वैल्यू मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है, प्लस यहां पर ए सी की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ए क्वांटिटी की वैल्यू है। अगर मैं यहां से देखता हूं ओ सी मेरे पास कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है, यहां से देखता हूं तो ओ सी मेरे पास क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, तो मैं यहां पर ओसी जो रिजल्टेंट निकल के आया है, रिजल्टेंट ओसी वेक्टर इज इक्वल टू, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर वेक्टर से, इसकी वैल्यू क्या बनी है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये किसके बराबर बन गया मेरा, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और मैथ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस फॉर्मूले को देख रहा हूं तो ये कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ कितने वेक्टर के अंदर कितने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बनेगा, तीन वेक्टर को ऐड या तीन से ज्यादा वेक्टर को ऐड अगर हम करेंगे तो उस केस में एसोसिएटिव लॉ ओबे होगा। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बता रहा है, एसोसिएटिव लॉ हमें ये बता रहा है कि जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे और उनका एक ग्रुपिंग बनाएंगे, जैसे मैंने इसमें ये ग्रुप बनाया, इस केस में मैंने ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुपिंग क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। चाहे मैं पहला ये ग्रुपिंग बनाकर रिजल्टेंट वैल्यू आर की निकाल लूं, चाहे मैं ये वाला ग्रुप बनाकर रिजल्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं। मींस एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये बता रहा है, वो हमें इन वेक्टर का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। किसके इंडिपेंडेंट होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। वो ग्रुप ऑफ ऑर्डर में ये वाला ग्रुप बना लू, बी प्लस सी बना लू, चाहे मैं कौन सा बना लू, मैं बना लू ए प्लस बी वाला बना लू। मीन्स एसोसिएटिव लॉ हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर वेक्टर एडिशन का होगा। तो हमारा ये एसोसिएटिव लॉ था या ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। मीन्स पॉलीगन लॉ बेस्ड ऑन एसोसिएटिव लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव लॉ, ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए ये तीन तरीके सफिशिएंट थे, इन तीन मेथड की हेल्प से सभी वेक्टर को हम इजीली ऐड कर पा रहे थे। तो हमें वेक्टर एडिशन तब समझ में आएगा जब हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड किस एडिशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू।